Hey guys, what's up? My name is Naman and welcome back to our channel. तो अगर आप लोग हमारे चैनल को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि हमारे चैनल पे ईयरफोन्स रिलेटेड, साउंड रिलेटेड काफी सारा कंटेंट आता रहता है। इसको मैं और भी इम्प्रूव करने की जो है कोशिश करता जा रहा हूँ और भी अलग अलग तरीके की ईयरफोन्स का जो है रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है एक प्योर ऑडियो फाइल ईयरफोन ZNS Pro X। और भाई ऐसे लोग जिनको क्वालिटी म्यूजिक पसंद है, जिनको इंस्ट्रूमेंट क्या बज रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है, उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। और पर्सनली मैं भी काफी टाइम से ऑडियो फाइल टाइप का बंदा बन चुका हूं, मुझे भी म्यूजिक की क्वालिटी सुनना पसंद है, इसलिए मैंने एप्पल म्यूजिक का भी जो है सब्सक्रिप्शन ले रखा है ताकि मैं डॉल्बी एटमॉस लॉसलेस टाइप की जो है टेक्नोलॉजी को सुन सकूं। तो ऐसे में एक डेडिकेटेड ऑडियो फाइल रिलेटेड ईयरफोन का रिव्यू तो बनता है। मैं वैसे ऑलरेडी कर चुका हूं, ये ZNS जो है प्रो वाला है, लेकिन अभी जो मेरे पास आया है वो एक्स वर्जन आया है, इसका और भी अच्छा एडवांस वर्जन है। तो शुरुआत कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। तो यहां पे मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं लगे, पर्सनली सेम डिजाइन आपको मिल जाती है जो बाकी के इसके ईयरफोन्स में आपको मिलता है, यानी कि वही ब्रेडेड ट्रांसपेरेंट टाइप की डिजाइन मिलती है। वायर की क्वालिटी अच्छी है, हार्ड सिलिकॉन रबर आपको यहां पे मिल जाता है वायर में। यहां पे आपको डेडिकेटेड माइक का भी जो है सपोर्ट दिया गया है। बहुत सारे ईयरफोन्स इस प्राइस रेंज में जो ऑडियो फाइल वाले होते हैं उसमें माइक नहीं मिलता है, लेकिन यहां पे आपको माइक मिल जाता है। बाय द वे अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 1500-1600 इसका प्राइस है, डिपेंड करता है आप कब परचेस कर रहे हैं, क्योंकि सेल में थोड़ा और कम हो जाता है, तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे डेडिकेटेड आपको प्ले पॉज का भी बटन मिल जाता है, तो आप म्यूजिक को भी जो है कंट्रोल यहां से कर सकते हो। उसी के साथ में यहां पे जो एक तरीके से इसका अडैप्टर है वो 90 डिग्री टिल्टेड है और गोल्ड प्लेटेड है, तो आपके फोन में अच्छे से जो है अटैच हो जाएगा। क्वालिटी आपको इसमें अच्छी मिल जाती है, हार्ड प्लास्टिक का जो है इसमें आपको कनेक्टर मिल जाता है, तो जल्दी से खराब नहीं होगा। अगर आप खींचते भी हो, गलती से खींच भी जाता है, तो इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाला, ये टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब ईयरफोन के मेन कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको अच्छा ईयर शेप जो है मिल जाता है। ये ईयर शेप काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑडियो फाइल रिलेटेड ईयरफोन के लिए। उसका रीजन ये है कि अच्छे से जब तक ईयरफोन कान के अंदर नहीं गया है तब तक साउंड में उतना मजा नहीं आता है, लेकिन ऐसी कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं लगेगी। ईयर के लिए यहां पे अलग से एक और प्रोटेक्शन के लिए जो है ना प्लास्टिक दी गई है, वो शेप जो है मेंटेन करके रखता है, और बिल्कुल भी कंफर्ट के मामले आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको काफी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। इनके ईयरफोन्स इजीली डिटैच हो जाते हैं, तो आप जो है इजीली रिप्लेस कर सकते हो इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे ईयरफोन सेम डिजाइन के साथ में आते हैं, सेम कनेक्टर आपको मिल जाते हैं, तो आपको वायर चेंज करना है या पूरा स्पीकर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और यहां पे इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज किए गए ना वो एक काफी अच्छा जो है यूएसपी मानूंगा इन ईयरफोन्स। और सबसे पहले चीज, यहाँ पे आपको 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम 10mm सुना तो मुझे लगा थोड़े कम होंगे, लेकिन साउंड सुनने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो गया, क्योंकि इसके जो 10mm के ड्राइवर्स हैं ये काफी ऑप्टिमाइज मुझे लगे हैं। दूसरा कंपोनेंट जो इसमें लगा हुआ है वो है एक मेजर यूनिट, ये अलग से जो है इसमें लगा हुआ है, स्पीकर जो होता है ना छोटा सा उसके आगे साइड में जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया है, ताकि ये बैलेंस कर्वेचर आपको प्रोवाइड कर सके। ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो देखो इसका साउंड जो है ना एक तरीके से म्यूजिक और वोकल्स पे तो ध्यान दे ही रहा है, लेकिन जो आसपास का इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में बज रहा हो या आपके राइट साइड में बज रहा हो, उसको वेल ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है। बेस वाले जो साउंड होते हैं ना उसमें हमेशा हमें ये सुनने को मिलता है कि काफी बेस है, उसके कारण जो पीछे एक तरीके से या ड्रम बज रहा है या कोई भी अदर कंपोनेंट बज रहा है वो सुनाई नहीं देता है, लेकिन इन ईयरफोन्स को पहन के वो सारे इंस्ट्रूमेंट को आप एक साथ एंजॉय कर सकते हो। ये एक चीज मैंने इतना अच्छे से जो है नोटिस किया इसमें, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा लगा है। आपको एक तरीके से सराउंड साउंड भी इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है, ऐसी कोई अलग से डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ऑप्टिमाइज होने के कारण जो है ना इसमें आपको सराउंड साउंड की टेक्नोलॉजी काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं अगर मैं वोकल्स वगैरह की बात करूं ना भाई, तो अगर आप वीडियो वगैरह भी देख रहे हो ना तो सिंक्रोनाइजेशन तो ऑन पॉइंट है ऑब्वियसली, बट बेस ज्यादा उस टाइम पे नहीं बजता है, जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है वही डायलॉग हमें सुनाई देते हैं, डायलॉग में कोई जो है बेस नहीं है, ये सारी चीजें जो है मैंने नोटिस करी है। एक और एडिशनल चीज इसमें आपको अच्छी मिल जाती है वो ये कि इसमें आपको माइक का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो माइक वजह से जो है ना आप एक तरीके से सारा काम जो है ऑलमोस्ट आपका कर सकते हो, आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है म्यूजिक और माइक क्वालिटी भी जो है आपको अच्छी मिल जाती है, तो आप दोनों काम जो है एक साथ कर सकते हो। तो भाई 1500 रुपए में अगर वाइड ईयरफोन चाहिए जिसमें आप जो है एडिटिंग वगैरह कर सको पहन के और उसके साथ में म्यूजिक सुन सको, गेमिंग वगैरह कर सको, तो इन ईयरफोन को ही जो है आप परचेस कर सकते हो। तो गाइज ये था फुल रिव्यू ZSN Pro X का, इसकी बेस्ट बैंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके परचेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर और भी ऐसे ईयरफोन्स के मैं रिव्यू लेकर आऊं तो आप लोग कमेंट में जो है मुझे लिख सकते हो, और भी हाई क्वालिटी और भी अच्छे अच्छे प्रीमियम ईयरफोन्स के रिव्यूज जो है आपको चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।